तो दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला। जो चार दिल बनाए थे हम लोग फैन के पास, उस डिज़ाइन से ठीक है। लेकिन इसमें कुछ भाई लोग का क्वेश्चन भी है कि सर, आप जो है इसका ड्राइंग हमको दीजिए, ये किस तरीके से बनाए हैं आप, हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भाई लोग को समझ जा रहे हैं, कुछ भाई लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत जो हो रहा है। तो जो भाई को दिक्कत हो रहा है उन्हीं के लिए ये वीडियो है, और इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि अपना फैन का जो सेंटर होता है, सेंटर हम पहले निकाल देते हैं, ताकि सेंटर के बाद ही आप जो डिज़ाइन को बनाएंगे तो आपको बनाने में दिक्कत, समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। ये आपका फैन का जो सेंटर आ गया है। अब देखिए दोस्तों, सेंटर के बाद से हमको यहाँ पे पटकना है सूता, दो सूता लगाना है। एक सूता तो ऐसे लगाएंगे, एक सूता जो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो हम दो सूता को हम पहले लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को आसान रहे समझने में, ठीक है। तो हम सूता लगाते हैं दो, चलिए अंदाज से सूता लगा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो आप लोग सूता अपना जो है ध्यान से लगाइएगा। हम जो है लगा रहे हैं इसको थोड़ा अपने अंदाज से लगा रहे हैं सूता, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझना है। और देखिए, ये तो हमने सूता लगा दिया दो, एक इधर से एक इधर से। इसके आगे हम बात करते हैं, तो जो डिजाइन बना है दिल वाला है, तो उसका जो ज्वाइंट हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, उसका ज्वाइंट हुआ है कोने पे, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि हम ये सूता के ऊपर हम चपटी ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे हम चपटी लगाते हैं दोस्तों सूता के ऊपर, और हम जो पट्टी खींचेंगे इस साइड से, तो ये जो पट्टी आ जाएगा यहाँ तक, यानी यहाँ तक आकर सट जाएगा, यानी आपका ज्वाइंट यहाँ मिलेगा। आपका ज्वाइंट जो है कहाँ पे आएगा, आपका ज्वाइंट आ जाएगा इधर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ज्वाइंट, मतलब ये फैन बॉक्स है, इसके अंदर आपको डिजाइन बनाना ही नहीं है, इसका बाहर ही बनना चाहिए डिजाइन को, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है दोस्तों कि जैसे कि ये यहाँ पे हमने लगाया, तो हो सकता है कि अपना फार्मा को जो है साइज आप देख लीजिए, फार्मा कहाँ तक आपका आ रहा है, तो इसके कारण जो आपका जो फार्मा जो आप बिट बनाएंगे तो आपका बिट यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए। तब क्या करना है आपको, यहाँ तक लाने के लिए आपको अपने चपटी से यहाँ पर निशान लगा लेना है। जैसे कि देखिए आपका फार्मा यहाँ तक आ रहा है ना, तो आपको जैसे कि देखिए इतना करके आपको निशान चपटी से लगा लेना है, ठीक है, ऐसे। और करने के बाद से चपटी इसके ऊपर चिपकाना है आपको, इसके ऊपर से चपटी चिपकाना है, इसके ऊपर चपटी चिपकाना है दोस्तों। हम उस डिज़ाइन में आप लोग को बताए हैं कि देखिए इस पर हम चपटी चिपकाए थे, तो हमने चपटी का साइज तो पतला होता है, तो चपटी यहाँ पर चिपकाए थे, चपटी चिपकाने के बाद इधर से खींचे थे, इधर से नहीं खींचे थे, ठीक है, सूता पर चपटी लगाए थे इधर से खींचे थे, और जब यहाँ पर हम चपटी चिपकाए थे तो इधर से खींचे थे। देखिए जैसे कि हम यहाँ से चपटी चिपकाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको समझ, पहले आप बात समझ लीजिएगा, इसके बाद से आप आगे का काम कीजिएगा। पहले मैं बता देता हूँ, पहले समझिए। जैसे चपटी लगाए तो हमको सूता पर चपटी चिपकाए थे, इधर से हमको नहीं बनाना है, हमको बनाना इस साइड से, जैसे कि ये आपका बीट आ गया, देखिए दोस्तों, ठीक है, बीट आ गया। अब चपटी हमको चिपकाना है इधर से, ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर से हमारा, तो देखिए मैं बोला ना कोना यहाँ पर आ गया, तो यहाँ फैन है इतना दूर जा रहा है ना, तो इसका कारण ये है चपटी है, चपटी बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है, तो चौड़ाई इसका आधा होना चाहिए, तभी जाकर ये जो कोना यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। अब देखिए हम चपटी यहाँ पे इसलिए चिपकाए थे कि चपटी चिपकाए फिर फार्मा का जो बेजल्स होती है थोड़ा सा उसको लेके आपका आ जाएगा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्यों ना पहले इसको हम रिमूव कर दें सारे, और उसके बाद से पूरा प्रॉपर आपको समझाए एक बार और। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए, एक एक पीस से खींचिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए आपका जो कटआउट बनना चाहिए यहाँ पे बनना चाहिए, इतना पे आना चाहिए, ठीक है, और इतना पे आना चाहिए, और इतना पे आना चाहिए, और इतना पे आना चाहिए, माने आपका कोण इतना इतना पे आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समझ लीजिए कि हम इसी के ऊपर चपटी रखेंगे, ठीक है, मतलब हमको रखना है इसी के ऊपर चपटी रखना है,
चपटी रख के हमको पट्टी खींच लेना है। ठीक है, तो हम देखिए पट्टी खींच लेते हैं अपने, इसके ऊपर चपटी रखने के बाद से पट्टी खींचते हैं हम पहले। ठीक है, एक पट्टी हो गया और ये हो गया दूसरा पट्टी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही करके चार पट्टी हमको बनाना है। एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। इसका टचिंग कर देने दीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, ये सर्कल थोड़ा के पीछे इसके बस इसमें टचिंग हो रहा है, हम ज़्यादा भी कर सकते थे लेकिन नहीं। देखिए हो गया, तो ये समझ लीजिए कि जैसे फार्मा आपको लगानी है, खींचनी है ऐसे, तो खींचे फार्मा तो मतलब एक तो निशान इसको हम कर दिया, अब इसका निशान हम करते हैं। जितना आपका थिकनेस रहना चाहिए उतना हम थिकनेस छोड़ देते हैं। जैसे कि हमको फार्मा का थिकनेस रखना है, थिकनेस है मेरा फार्मा का इतना है, तो इतना हम इसको फिर से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इतना करने के बाद से जैसा मैंने मोल्डिंग पूरा ज्वाइंट किया था, ठीक है, अब इतना कुछ करने के बाद से दोस्तों अब आ जाता है आपका मेन जो पॉइंट, दिल बनाने का। ठीक है, तो हम ये धुका जो धागा है इसको हम करते हैं रिमूव, ताकि इतना धागा आप लोगों को समझने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसके वजह से ये सर्कल समझ लीजिए कि आपका सर्कल है यहाँ से, ठीक है, फैन हो गया समझिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग देखे भी थे, हम बनाए थे उस तरीके से दोस्तों, बनाना है ताकि ये फार्मा का डब्बी के अंदर ये जो कोना ना आए, हो सकता है थोड़ा और आगा बना सकते हो आप लोग। ठीक है, अब इतना करने के बाद से सीधी बात है दोस्तों, अब इसका साइज जो हम करेंगे, इसका कितना साइज में आप लोगों को इस डिज़ाइन को तैयार करना है आप लोगों को, वो पहले देखना है। हम बनाए थे एक गुरुमाले से, यानी 12 इंची के आसपास से बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम 12 इंची नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे कोई 2 इंची में बनाएंगे, 2 इंची नहीं 1.5 इंची करते हैं, ताकि यहाँ मेरा जगह भी थोड़ा कम है पेज के ऊपर, इसके वजह से हम 1.5 इंची करेंगे। देखिए 1.5 इंची पे कैसे हम मार्क लगा रहे हैं, यानी 1 फीट आप समझ सकते हैं, 1 फीट पर, 1 फीट पे हम कैसे मार्क लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे किया, ठीक है, इसके इसके ऊपर से गुरुमाला रखा, आप वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पर किया हमने, यहाँ पर निशान लगाया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर करके दोस्तों, इस ये जो है पूरा हम आपको बता रहे हैं, ताकि उस वीडियो में कुछ आप लोगों को समझने में दिक्कत हुआ है, इसके वजह से हम दोबारा से इस वीडियो को बना रहे हैं। टाइम तो लगेगा दोस्तों, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर करने के बाद से आप गुरुमाला से निशान लगा लीजिए इस तरीके से, नहीं तो आप क्या कीजिए, सूता भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे करके इसमें, ठीक है, और इसी तरीके से हम चारों में पहले कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक 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 फीट पे आपको सूता पटक लेना है, चाहे 10-10 इंच पर सूता पटक, चाहे 10 इंच नापी है ऐसे, चाहे ऐसे नाप के आपको एक चौरस बना लेनी है सूता पटक के। आपको ये पट्टी बनाना नहीं है, सिर्फ चौरस बना लेनी है सूता पटक के। अब आता है पूरा मेन बात जो आपको इसके ऊपर से करना चाहिए।
ठीक है। इसको बस करना क्या है आपको, देखिए कुछ भाई लोगों को क्या है कि मतलब समझने में अलग अलग जो है मतलब वो होता है, ठीक है। अब इसका चाहे तो इसका और इसका सेंटर यहाँ से और यहाँ सेंटर निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि सेंटर इसका यहाँ से आ रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से सेंटर इसका आ रहा है, ठीक है, इसका और इसका सेंटर यहाँ से आ रहा है। तो चलिए हम सेंटर पर से पहले फिटिंग करके देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये सेंटर आया ना, पहले सेंटर पर से फिटिंग करके हम देख लेते हैं कहाँ तक कटिंग हो रहा है हमारा जो डिज़ाइन का। देख लीजिए ये सेंटर पर से फिटिंग हुआ है, ठीक है, तो सेंटर पर से फिटिंग हुआ है तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेंटर हम देखते हैं कहाँ मेरा आता है, अब इसी से नाप सकते हैं सेंटर कहाँ आ रहा है मेरा, ये आया सेंटर, ठीक है। यह सेंटर मेरा यहाँ तक, ठीक है। देखिए यह दिल का जो शेप बन गया यहाँ पर देख सकते हो दोनों, मतलब यहाँ से कुछ इस तरीके से शेप बन गया। अब इसको चाहे तो दिल के यहाँ पर सेंटर में ये तो कट जाएगा, थोड़ा सा इसको आगे करना है तो आपका जो ये वाला है मतलब थोड़ा सा इसको अगर इच्छा इधर करते हैं तो ये जाएगा इसके अंदर की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर तरफ जाएगा तो ये जो कटिंग हुआ है थोड़ा अंदर कटिंग होगा, ये वाला कटिंग थोड़ा सा अंदर होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इतना भी बना सकते हो और जितना इसको बाहर करोगे, इसको बाहर जितना करोगे आप उतना ही आपको ये जो कटिंग होगा सीधा होता जाएगा, मतलब सीधा ये ऊपर आता जाएगा, जिधर उतना थोड़ा सा उधर करोगे तो ये कटिंग अंदर आएगा। सेंटर से बनाओगे तो इस तरीके से होगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सेंटर से ही बनाइए क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा माथा पीछे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा बीट पर से, हम जो है इस पर रख के इसको लगाते हैं निशान, ये आ गया। अब हमारा यहाँ से आ गया यहाँ पर, देख लीजिए आपके सामने जो है दिल का जो पूरा शेप जो आ गया है, ठीक है। इस तरीके से इस डिज़ाइन को आपको बनाना है, हम चलिए इस सारे को बनाते हैं पहले। तो अब देखिए ये जो दिल आपको सामने दिख रहा है कि बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। ये दोस्तों अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा पेंसिल से जो इसका जो लाइनिंग है थोड़ा तेज़ कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे। देखिए हम क्या किए हैं दोस्तों, आप लोग खुद ही देखें कि हम अंदाज के साथ बनाए हैं, कोई इसमें ज़्यादा नापी जोखी नहीं किए हैं, इसके वजह से थोड़ा सा आप लोगों को क्या है कि कोई पट्टी मोटा कोई का पट्टी पतला दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ हम अंदाज से बताए हैं कि ये जो डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं थोड़ा इसको लाइनिंग जो करते हैं थोड़ी सी तेज़, तो देख सकते हैं आप लोग के चार दिल वाला जो डिज़ाइन है बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप लोग के चार दिल वाले डिज़ाइन को मार्किंग करके पूरा बना सकते हैं। यहाँ पर आपका फ़ैन आ जाएगा, ठीक है, फैन बॉक्स, ठीक है, ये फैन बॉक्स के पास ये सटना नहीं चाहिए ये वाला, ये आप ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से आपको बताया हमने, समझ में नहीं आए तो दोबारा देख के समझ लीजिएगा, लेकिन बनाने का तरीका जो है आप लोगों को यही है। अगर इसका बनाते हुए लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग आई बटन में देखिए, अगर जो नहीं देखे हुए तो आई बटन क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाकर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं पेंट, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर देना।